कितने बार जेल में गए, देश से बाहर जाना पड़ा, सेना बनाकर लड़ना पड़ा, सारा जीवन एक अग्नि गर्भ तपस्या है और ये तपस्या हंसते हंसते उन्होंने पार की, देश के लिए की, अपना नाम हो इसलिए नहीं। पूर्ण निष्पृहता और निस्वार्थ बुद्धि का आदर्श उनका जीवन है, पूर्ण समर्पण का आदर्श उनका जीवन है। तपस्या के लिए कठोर परिश्रम और कष्ट सहन करने का आदर्श उनका जीवन है। देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस अपने प्राणों की तमा न करते हुए करना उन्हीं का जीवन, उसका आदर्श है। और ये सारा करते समय उन्होंने अपेक्षा कुछ नहीं की, उनको क्या मिला, हमने उनको क्या दिया, हमने कुछ नहीं दिया, उस समय उनको कुछ नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत को ऐसे तरुणों की आवश्यकता है, जो लाहौर का भाषण है उनका, वहां बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जैसे तरुणों की जरूरत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म भर अपने समाज के लिए कष्ट सहन किए, युद्ध किए, अपने चार पुत्रों का बलिदान किया, उनका निर्वंश हो गया, फिर भी वो लड़ते रहे, और इसके बदले में जिनके लिए वो लड़ते थे उन्होंने उनको क्या दिया, उपेक्षा दी, उपहास दिया, लेकिन उन्होंने एक शब्द से भी उनके विरुद्ध कोई बात नहीं की। उनके लिए सतत सेवारत, समर्पण रत ऐसा जीवन था। ऐसे तरुण चाहिए। अगर स्वामी जी के इस वर्णन के अनुसार उस समय किसी का जीवन पूर्णता से दिखता है तो बाबू सुभाष चंद्र है। उन्होंने कभी भी जिस देश के लिए काम करते थे, उस देश के समाज में उनका विरोध करने वाले भी थे, हम जानते हैं, मत मतांतर होते हैं, उसके चलते वैचारिक विरोध होता है, उसके चलते कई बातें होती है, परंतु ये होने के बाद भी उन्होंने कभी भी आपस में लड़ाई नहीं की। कर सकते थे, शक्ति थी, समर्थन था, नहीं किया। जिनके लिए काम कर रहे थे उनके विरोध में कुछ नहीं किया। ऐसा जीवन उन्होंने जिया और इसलिए स्वतंत्र भारत में उनका स्मरण बनाए रखने में थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो भी अपने त्याग के कारण संपूर्ण भारतवर्ष की जनता के स्मरण में वो सदैव रहे, अपने आप रहे। किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, इसके बावजूद आज वो स्मरण में है। आज भी हम उनको नेताजी कहते हैं क्योंकि उनका ऐसा नेतृत्व गुण था। वो वास्तव में अपने हित की तरफ ले जाने वाले नेता थे। वो अपने उदाहरण से नेतृत्व करते थे और वो सब में सबके जैसा रहकर नेतृत्व करते थे। नेता के जो लक्षण अपनी परंपरा में बताए हैं, पात्रे त्यागी, सत्पात्र व्यक्ति की पहचान कर उसके लिए छोड़ने वाला, गुणे रागी, गुणों की पहचान करने वाला, गुणों पर प्रेम करने वाला, भागी परिजनैस्सह, अपने परिजनों के द्वारा सर्वत्र सहभागी होने वाला, सुख दुख का भोग सबके साथ करने वाला। नेताजी जैसे यहां म्युनिसिपल पार्टी के अध्यक्ष रहे, यहां के सम्माननीय नेता रहे, वैसे उनको युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध में जो सरसेनापति होता है, कमांडर होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, मोर्चे पर जाता नहीं, परंतु नेताजी सिंगापुर के जंगलों से लेकर तो आसाम की सीमा तक सेना के साथ आए, वापस जाते समय अन्य सैनिकों को जैसे जाना पड़ा पैदल, नेताजी भी पैदल चलकर वापस गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।